कैसे दोस्त? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीबॉडी यहाँ आने के लिए. आई एम फाइंडिंग इट स्टिल नाउ, यस दिस इज ट्रू. इम्तियाज सर अ ड्रीम डायरेक्टर, जिनसे मिलना ही शायद एक ड्रीम था मेरे लिए. आज वो मेरी फिल्म को आके मोटिवेट कर रहे हैं. इट इज रियली सर, इट्स एन ऑनर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी. हमने इस फिल्म को इतने प्यार से बनाया, इतने पैशन से बनाया है. हर इंसान के अंदर क्यूटनेस भी होती है, कमीनापन भी होता है. कैसा कभी नहीं होता कि एक इंसान सिर्फ क्यूट हो या सिर्फ कमीना हो. हम सब सिचुएशन के हिसाब से जब सच्चे होते हैं तो कभी क्यूट भी हो जाते हैं, कभी कमीने भी हो जाते हैं. डायरेक्टर क्या लगता है, कौन है डायरेक्टर तुम्हारा? तुम्हारा डायरेक्टर कौन है इन दोनों में से? हमारे डायरेक्टर बहुत ही क्यूट है. बहुत ना? हाँ बेटा, रियल लाइफ में बहुत क्यूट है लेकिन सेट पे बहुत कमीनी है. काम निकलवाना आता है उनको. अच्छा, तो बस यही है. हार्टलैंड की कहानी है. एक लड़का है जो बहुत ही इनोसेंट है, अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझता है. उसके मन में उसकी एक पिक्चर है जिसमें वो मतलब सुपरस्टार है. उसका एक सपना है कि एक कॉफी शॉप की उसको चेन चलानी है. हलवाई का बेटा है, ही डजंट लाइक दैट बिजनेस. तो मामा के पास आ जाता है बॉम्बे. और बॉम्बे आने से पहले उसको लगता है कि जैसी दुनिया भोपाल में उसने देखी है वैसी होगी, और वहां वो स्टार था, यहां भी स्टार ही रहेगा. लेकिन जब बॉम्बे आता है और उसको अपनी ड्रीम गर्ल मिलती है, और फिर जो एडवेंचर शुरू होता है, और जैसे जैसे कमीने कैरेक्टर मिलते हैं, तो वो जो क्यूट बंदा था वो भी थोड़ा 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 करके कमीना बनना शुरू हो जाता है. लेकिन क्यूटनेस छोड़ता नहीं. कीर्ति क्या बोलना चाहोगी? वाकई फिल्म में बन पाता है अच्छी तरह से? आई थिंक एज अवंतिका ऑब्वियसली आई फॉल फॉर हिज क्यूटनेस. कमीनेपन को तो कोई खास पसंद नहीं करता है. इनफैक्ट मेरे कैरेक्टर के साथ उल्टा होता है फिल्म में. ये बहुत कमीनी दिखती है आपको इनिशियली, कि ये तो लड़की बिल्कुल चालू है, उसको काम निकालना आता है, इसको यूज कर रही है. लेकिन वॉट ही रियली फॉल्स इन लव विद इन दिस गर्ल इज द इनोसेंस एंड द क्यूटनेस. सो या, इट्स द उल्टा थिंग हियर. एंड हैविंग सेड दैट, आई रियली वांट टू थैंक इम्तियाज. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इम्तियाज. इट्स आई लव योर फिल्म्स. आई रियली एंजॉय योर वर्क. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर. क्या बात. अमित इस समय हमारे साथ में. अमित यार, बहुत कम वक्त दिया आपने प्रमोशन का यार लोगों को. इतना शॉर्ट में कैसे कर दिया आपने, क्योंकि अब रिलीज होने वाली फिल्म यार. आई वुड लाइक टू थैंक द मीडिया फॉर बीइंग हियर इम्तियाज सर. थैंक यू सो मच. एंड सिमी फैमिली, दिस वॉज प्लान बिफोर. पहले से प्लान किया था 15 दिन का, बिकॉज वी न्यू दैट द रिकॉल फैक्टर ये 15 दिन में वुड हिट अगेन एंड अगेन. वी वुड वॉन्ट टू कम विद अ बैंग रादर देन रनिंग प्रमोशन फॉर 2 मंथ्स. इट वॉज ऑल प्लान्ड. तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि प्रोड्यूसर अलग किस्म के होते थे, थोड़े बदल गए हैं प्रोड्यूसर्स एज टाइम के साथ. तो एज कम हो गई ना? एज कम नहीं हो गई, टाइम बदल गया ना. टाइम बदल गया. तो ये आप प्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरी फिल्म को, क्या चीज देखी आपने जो आपको बहुत क्लिक की और आपको लगा कि यार इस फिल्म के जरिए हम लोगों को आना चाहिए? इट्स अ वेरी यूथ एज कॉन्सेप्ट. इट्स लाइक अस, मी एंड धवल, वी आर ऑलमोस्ट, इट रिप्रेजेंट्स एंड इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म. और इट्स लवली, द कंटेंट इज बेसिकली अमेजिंग. जैसे जैसे कि आपने प्रोमो देखा था, ट्रेलर देखा आपने, तो कंटेंट ऐसी फिल्मों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है जो लोग कहते हैं मुझे. मैं तो भाई ज्यादा जानता नहीं हूं, आप लोग ज्यादा प्रगाढ़ पंडित हैं. मैं कुछ बोलूंगा इसके पहले ही. नहीं, 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 अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा. सर ऑफिशियल मेल कर दूंगा सर आपको. तारीफ करे तो छूट ही नहीं सकता सर, क्या करूं. आप मेरे गेस्ट हैं सर, अतिथि देवो भव सर. वो तो तारीफ करना ही है सर, चाहे कुछ भी हो जाए. बेटा हमारे मजे ले रहे हो तुम्हें. हिंदी भाई, आप क्या लग रहा है कि हिंदी फिल्मों में जितने भी अब जो लव और रोमांस का थोड़ा वक्त बदल गया है, पैटर्न बदल गया पहली फिल्म से लेकर? बहुत ज्यादा बदल गया है. क्या बदल गया है? ये बदल गया है कि अब ना लार्जर देन लाइफ चीजों की उम्मीद नहीं की जाती, ऑडियंस को नहीं पसंद है. उस वक्त से ही हो रहा था कि बहुत ही जो मेलोड्रामेटिक आर्टिफिशियल टाइप की कुछ फिल्में होती थी और उनको पसंद भी किया जाता था. लोगों को मालूम था कि ये दरअसल हो नहीं सकता, हम देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं. उससे ऑडियंस, पहले ऑडियंस ने मूव किया, फिर उसने वो चीजें एंजॉय करनी शुरू कर दी ऐसी फिल्मों में जो उनके साथ शायद खुद होती है या वो चाहते हैं कि हो जाए. कनेक्ट वाली बात हो जाती है. कनेक्ट वाली बात. कैरेक्टर्स बिकेम रियलिस्टिक एंड पीपल स्टार्टेड टू लैप दैट अप. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु बिकेम डायरेक्टर्स अराउंड माई टाइम used that, and we only came into the film industry because the audience had changed already and gave us a chance. मुझे लग रहा था जब मैं सोचा ना था को हॉक अराउंड कर रहा था, तो वो कह रहे थे बहुत ही ज्यादा यार हटके फिल्म है ये. जब भी मेट भी बहुत हटके है, बट आज भी लोग उस फिल्म का नाम लेते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट नाउ इट हैज बिकम मेन स्ट्रीम.
So there's a chance for people to tell real stories with real characters. हमारे पास बहुत सारे ऑडियंस भी बैठी हुई है भाई लोग आप लोगों को क्या लगता है कौन सबसे कमीना हमारे इंडस्ट्री में क्यूट है भाई लोग बोल भाई सभी जैसे बताया ना बेटा तुम लोग क्वेश्चन बहुत पूछते हो जो हम पूछ रहे तो बता नहीं रहे तुम लोग ये नहीं चलेगा हाँ हाँ बता पता नहीं अब क्वेश्चन पूछेगा और लोग नहीं बताएंगे ना यहाँ तुम बता हाँ दे देता हूँ क्यूट इज रणबीर एंड कमीना आई डोंट नो अरे शाहिद कमीना फिल्म किसने तो यार चलिए आज आप सुरक्षित हैं आप लोग जितने भी लोग हैं ना क्वेश्चन ज्यादा आने वाले नहीं है यहां से क्योंकि वाकई सही बात है भाई रणबीर कपूर बहुत ही प्यारे हैं क्यूट हैं वो तो वो बताएंगे आपको नहीं लगता है हाँ। सुन रही है देखो ऐसे सुनना पड़ता है मैडम मैं मीडिया के लिए आया हूँ प्लीज थोड़ा सा बाइट मिल जाने दो देवी जी माना आप आ जाएंगी पर्दे में स्टार हैं आप प्लीज हाँ क्या बोल रहे थे सर क्यों हो गई बात अब खत्म हो गई इन्होंने कह दिया चलिए खैर और कोई क्वेश्चन मीडिया की तरफ से प्लीज आप पूछ सकते हैं हाँ हाँ हाय इम्तियाज भाग में है फ्रॉम जी न्यूज फिल्म से रिलेटेड तो आपने बहुत कुछ पूछ ही लिया मैं फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ पूछना चाहती हूँ कल बजट आने वाला है फिल्म इंडस्ट्री के लिए आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारी छोटी बजट की फिल्म आ रही हैं जिनमें स्टोरी काफी स्ट्रांग होती है आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार फिल्म इंडस्ट्री के लिए होगा बजट में मैं एक बहुत ज्यादा जानता भी नहीं हूं इस सब्जेक्ट के बारे में ऑनेस्टली कि क्या हम कौन सी चीजें एक्सपेक्ट की जा रही हैं सो आई वुडंट लाइक टू कमेंट आई डोंट नो इंस्टेंटली और लेटली व्हाट्स गोइंग ऑन एज फार एज दैट इज कंसर्न मेरे ख्याल से जो छोटे जो स्मॉल बजट फिल्म्स हैं जिसमें नए लोग एक्ट करते हैं उनका बनना बहुत ज्यादा जरूरी है बिगर मोर देन स्टारर फिल्म्स आई फील बिकॉज टू थ्राइव अ फिल्म इंडस्ट्री needs to get new energy, new people in. And as many, if the range becomes big, if there are lots of talented actors and writers and directors, etc., then it is easier for the film industry to become bigger and entertain more people and it will grow like that. So as much as we can do as a film industry to make the entry point a little, firstly, talent-based, and secondly, easier. For the talent to come in, we should do that. And if the government or the budget helps in that way, it will be awesome. और आपको लगता है कुछ फिल्में अगर अच्छी हैं तो उन्हें टैक्स फ्री कर देना चाहिए? I don't know about that. इसकी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं. तो वो गवर्नमेंट मैंने लोगों से बात की है सो इतना आसान नहीं है कहना थैंक यू मेरा सवाल है सीमी से जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन आप इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी है डायरेक्टर भी है एक साथ दो दो जिम्मेदारी निभाई आपने कितना मुश्किल था कितना आसान था आपके लिए इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगी कि वन बीइंग अ वुमन इट्स वेरी डिफिकल्ट हैंडलिंग मेन ऑन द सेट एंड हैंडलिंग रिलीजिंग अ फिल्म इटसेल्फ इट्स मोर डिफिकल्ट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट जर्नी वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी बट आई थिंक सम पीपल लाइक अमेय तंथावल एंड सम पीपल लाइक मिस्टर साकरे जॉइंड इन And we were able to push the film and complete the film. बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल होता है मतलब कमर टूट जाती है आपकी